लंका में भी उस दिन त्रेता युग की बात है, जिस दिन रावण के राज्य में वेद विरुद्ध काम होते थे, उस दिन भी हनुमान जी महाराज, यही पवन देव, मशक के समान, मशक का मतलब मच्छर, मशक के समान रूप कपिधारी लंका चले सुमिरन रहरे। उस दिन भी मच्छर का रूप धारण करके हनुमान जी महाराज लंका में भी प्रवेश किए थे, रावण के राज्य में। यही लोग देखे कि हाँ, इतने असंख्य मच्छर जिनकी गणना नहीं की जा सकती, वही मच्छर हनुमान जी महाराज ब्राह्मण रूप में हुए और लंका में उन्होंने कहा, लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन मह तरक करे कपिलागा, तेह समय विभीषण जागा, राम राम तेह सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, एसन हठ करिहाँ पे जानी, साधु ते होय न कारज हानि। लंका में प्रभु का भक्त विभीषण, नौ तुलसियों की सेवा करने वाला, पहचान लिया और विप्र रूप में देखा आकर चरणों में कि इनसे हट कर ही हूँ पहचानी, हट करके इनके चरणों तक पहुँचूँ, वास्तव में ये कौन हो सकते हैं, दशानंद के राज्य में ऐसा कह रहे हैं। विभीषण के आने पर हनुमान जी ने बताया कि हम भक्त हैं, ब्राह्मण रूप में विचरण कर रहे हैं, प्रभु के कृपा से यहाँ दर्शन हो आपके सामने आप कर रहे हैं और हम भी आपके दर्शन पाए, ये श्री राम की कृपा है। विभीषण अपने कुटीर तक ले गया था, हनुमान जी महाराज कुटीर तक गए थे, राम नाम अंकित कुटिया देखकर, आंगन में नव तुलसी का वृक्ष देखकर परम आत्मा को शांति पाए कि हमने क्या कह दिया लंका में राक्षस, अरे ऐसा नहीं, यहाँ भी प्रभु के भक्त हैं, आज वही दिन है। जो भी जिस भी रूप में देखें, जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तीन तैसी, ये प्रभु के ही रूप हैं। जब पृथ्वी पर अनंत अत्याचार, वेद विरुद्ध कार्य, धर्म और कर्म के अवहेलना होते हैं, तो प्रभु का विविध अवतार, विविध रूप आता है इस पृथ्वी पर, और उसी से यहाँ पाप का अंत होता है और पुण्य का जय जय का चारों युग में और आज भी सदा होता है, होता रहेगा। इसके बारे में अपने अंदर यही वाणी है। आगे आप सबको शक्ति माँ का आना, इस संसार में आज सोमवार हैं, भगवान शिव के दिन हैं, आप सबने सुना होगा रावण 10 शीश का एक ही था, पर रावण 2 थे। आप सब से ये बात पहुंचा रहा हूं और पहुंचाते हुए आप सब से प्रार्थना भी कर रहा हूं, वाणी पर विशेष ध्यान दें, अपने हृदय तक इस बात को अवश्य रखें, परम कल्याण होगा, क्योंकि ये प्रमाणिक बात है। रावण 10 सीसा था, 20 भुजा थे, ये संसार जानता है बंधुओं। राम ने रावण को मारा, ये संसार जानते हैं। कुंभकर्ण का भी वध किया, संसार जानते हैं। हनुमान जी महाराज जब वहां पहुंचे थे, लंका जलाते वक्त जब गर्जना किए थे, तो समस्त राक्षस दल की नारियों के गर्भ गिर गए थे। लेकिन आज आप लोगों तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि राक्षस दल में ही कुंभकर्ण की पतोहू, कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ, निकुंभ की पत्नी अपने नैहर चली गई थी,
जब नैहर चली गई थी तो यहाँ जितने राक्षस दल सबके गर्भ गिर गए थे राक्षसनियों के, पर निकुंभ की पत्नी अपने जब मायके चली गई थी उनके भी गर्भ थे, वो गर्भ सुरक्षित बचा था। जब वो गर्भ बाहर आया तो पुत्र था, उसका नाम पांडु पड़ा, पांडु। जब वो बड़ा हुआ, इधर रामचंद्र जी राज विभीषण को दे दिए थे, अयोध्या में आकर राजतिलक हुआ, राज विराज लिए थे। जब वो बड़ा हुआ, माता की अपने जानने वाला लाल जब माँ पूरी कथा बताई तो वो पांडु श्रोण नदी के किनारे मायापुर ग्राम था, जहां सौ मुख वाला रावण रहता था। बंधुओं, सौ मुखता रावण का वो श्रोण नदी के किनारे मायापुर ग्राम था, जहां सौ शीश का रावण, सौ मुख का रावण रहता था। उसके दो भुजा थे। जब पांडु माँ से अपनी ये सारी रहस्य जाने तो सौ शीश वाले रावण के पास गए और जाकर अपनी प्रार्थना करने लगे कि हमारे कुल का विनाश हुआ, राम ने किया, लंका में विभीषण को राज विराज बनाए हैं, हे सौ शीश वाले रावण आप चल के राम विभीषण को पराजय कीजिए और उस लंका में स्वर्णिम नगरी बनाई हुई विश्वकर्मा जी की वहाँ आप स्वयं राजा बनिए और हमारे भी वंश वहाँ प्रफुल्लित हों। सौ शीश वाला रावण जा करके पांडु के साथ अपने विमान पर, पुष्पक विमान उस दिन थे, विभीषण को पराजय किए और लंका में सौ शीश वाला रावण राजा विराजा की कुर्सी अपने हाथ में ले लिए। इतने में विभीषण पराजय हुआ, रोता हुआ वहां से अयोध्या में आया, प्रभु श्री राम से आकर के अपनी विनती सुनाने लगा। प्रभु विनती सुनते हैं और विनती सुनते ही माँ भगवती सीता से कहते हैं, देवी क्या करना चाहिए? चलो चलो देवी। सीता जी कहती हैं, प्रभु चलें। प्रभु श्री राम, माँ भगवती सीता साथ में बैठकर पुष्पक विमान पर लंका पहुंचे और लंका पहुंचकर सौ शीश वाले रावण का वध कर दिए और उसी के साथ पांडु का भी, विभीषण को फिर से राजा बनाए। आज वही विभीषण राज कर रहा है। ये कथा आप लोग अभी शायद नहीं सुने रहे होंगे, जो ये कथा आज आप लोगों तक पहुंची हैं ये कथा आनंद रामायण में रखी गई हैं। ये आनंद रामायण में आनंद ही आनंद हैं। हम और आप ये कथा सुन रहे हैं। विश्व में यही कहना चाहूँगा, आप सब तक ये मेरी वाणी पहुँचे और आप सब परिवार में सुख शांति, खुशियाँ, आनंद, परमानंद प्रभु की कृपा से मिलें। जहाँ तक ये वाणी जाए, अगर सुनने को मिल गई वो परिवार निरोगी रहे, प्रभु सदा रक्षा करें, परम कल्याण हो। अपनी ये वाणियाँ हैं, इन्हीं वाणियों के साथ ये कथा आज का विराम कर रहा हूँ। जय श्री राम।